CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की उर्दू कहानी हजे अकबर। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेठे बने रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हर दम उसके गले का हार बना रहता था। या अल्लाह, अन्ना खाओ, हाँ तुम भी खाओ हलवा। इत्तेफाक से एक रोज दाया को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां तमाशाइयों का हुजूम था। दाया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिलावेज था कि उसे वक्त के मुतालिक एहसास ना हुआ। यकायक 9 बजने की आवाज कान में आई तो सहर टूटा। वो लपकी हुई घर की तरफ चली। या अल्लाह, शाकरा भरी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में ही खो गई थी? दाया ने खता वाराना अंदाज से सिर झुका लिया और बोली, बेबी, एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है। मगर दाया ने उस वक्त दबने में खैरियत समझी, बच्चे को गोद में लेने चली, पर शाकरा ने झिड़क कर कहा, बस रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने इस हुक्म की तामील जरूरी न समझी। उसने नसीर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। नसीर मियां, लेकिन शाकरा बास की तरह झपटी, दाया नसीर पर जान देती थी। शाकरा ने नसीर को इस बेदर्दी से छीन लिया कि दाया से जब्त ना हो सका। बोली, बीवी, मुझसे कोई ऐसी बड़ी खता तो नहीं हुई? बहुत होगा तो पाव घंटों की देर हुई होगी। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो। जाकर मर्दाने में अपनी तनख्वाह का हिसाब कर लो। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मामाएं दाइयां बहुत मिलेंगी। जो कुछ खता हुई हो माफ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थीं। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था कि एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं। पर ये हसरत लिए उसे घर से निकलना पड़ा। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजे तक आया। लेकिन जब दाया ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मगर नसीर पर मुतल्लिक असर ना हुआ। यहाँ तक कि शाकरा को गुस्सा आ गया।
बैठ यहीं। अन्ना। मेरे तो और भी काम पड़े हैं। उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं। शाकरा ने समझा था थोड़ी देर में बच्चा रो धो कर चुप हो जाएगा। आखिर वो वहीं जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से आए और बच्चे की ये हालत देखी तो उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। अले ले ले ले, आजा मेरे बच्चा, आजा आजा आजा, शाबाश शाबाश। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई तो उसे तस्कीन हुई। मगर शाम होते ही उसने फिर अन्ना अन्ना शुरू किया। अब्बा अब्बा, आजा मेरे बच्चा, अन्ना मिठाई लाई। अले ले ले ले, लाई मिठाई। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम ना था। अभी आओ अन्ना, आओ। वो कभी दरवाजे पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अन्ना, आओ। अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होगी। उस कोठरी का दरवाजा बंद पाता तो जाकर उसको खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छिपी बैठी हो। खोलो बाजा। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया, गुलाब कैसे रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। अले, आजा मेरा बच्चा। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। अरे अरे बच्चा, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। अब दो साल का होनहार लहलहाता हुआ शादाब पौधा मुरझा कर रह गया। शाकरा बच्चे की ये हालत देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ती और अपनी हिमाकत पर पछताती। साबिर हुसैन अब नसीर को गोद से जुदा ना करते थे। अब्बा अब्बा, अरे मेरा बच्चा। अन्ना, अन्ना। उसे रोज हवा खिलाने जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह ना पनपता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था। आलमे वजूद में दाया को ना देखकर नसीर अब ज्यादातर आलमे ख्याल में रहता। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रखा था और कहता, अन्ना दूध पिला, दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिये रखकर चादर से ढांक देता और कहता, अन्ना छोटी। शाकरा खाने बैठती तो रकाबियां उठा उठा अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाई। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके।
नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसुध हो रहा था। अन्ना कहाँ गया? मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। शाकिरा ने डरते डरते कहा, सुनिए जी, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फायदा हो जाए। बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो उसे कोई फायदा ना होगा। तो क्या अब किसी की दवा ही ना होगी? बस इसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। तुम्हें तो वही धुन सवार है, क्या अब्बासी अमृत पिला देगी? हाँ, वो तुम्हारे लिए चाहे जहर हो लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होगी। अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। चुप भी रहो, कैसे शगुन जुबान से निकालते हो? मैंने शर्म के मारे तुमसे नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है, अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज हो लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी और वो जिस तरह राजी होगी उसे राजी करूंगी। शाकिरा ने बहुत जब्त करके ये बातें की मगर उमड़े हुए आंसू अब ना रुक सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, खुद ही जाता हूं। अब्बासी दुनिया में अकेली थी मगर नसीर को पाकर उसकी सूखी हुई टहनी में जान सी पड़ गई थी। अब्बासी नसीर की भूली भूली बातों पर निसार हो गई। अन्ना खाओ, अन्ना खाओ। मगर वो अपनी मोहब्बत को शाकरा से छुपाती थी इसलिए कि माँ के दिल में रश्क ना हो। वो नसीर के लिए माँ से छुपकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर खुश होती। उसे नजरे बस से बचाने के लिए तावीज और गंडे लाती रहती। ये उसकी खालिस मातराना मोहब्बत थी। इस घर से निकलकर आज अब्बासी की आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। रात जों तों करके कटी। हलवा, ताजा ताजा हलवा, हलवा ले लो। सुबह को यकायक ताजे हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। मान याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा? अच्छा हलवा आज दे दो। अब्बासी की रूह तड़प उठी। वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलूं, नसीर को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट गई। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हे के लिए भी नहीं उतरता था। वो सोते सोते चौंक पड़ती। मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
वो रोज इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी, इसलिए बाजार से खिलौने और मिठाइयां लाती, घर से चलती, लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी दो चार कदम से आगे ना बढ़ा जाता। कौन मुंह लेकर जाऊं जो मोहब्बत को फरेब समझता हो, उसे कौन मुंह दिखाऊं? कहीं नसीर मुझे ना पहचाने तो बच्चों की मोहब्बत का क्या एतबार? नई दाया से रच गया हो। इत्तेफाक से इसी असना में हज के दिन आ गए। मोहल्ले में कुछ लोग हज की तैयारियां करने लगे। अब्बासी की हालत उस वक्त पालतू चिड़िया की सी थी जो कफस से निकलकर फिर किसी गोशे की तलाश में हो। वो आमादे सफर हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर जायरीन का हुजूम था। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह ना उतरता। लौट कर जरूर उसे देखने जाऊंगी। या अल्लाह, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। इतनी घटा उमड़ी हुई है, बरसने का नाम ही नहीं लेती। यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था, वो गाड़ियों में झांकने लगे। अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए। अब्बासी, 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 तुम भी हज को चली? हाँ, यहाँ क्या करूं? नसीर मियाँ तो अच्छी तरह हैं। अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछकर क्या करोगी? उसके लिए दुआ करती रहना। क्या हुआ? क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? उसकी तबीयत तो उसी दिन से खराब है जिस दिन तुम वहां से निकली। कोई दो हफ्ते तक तो अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा और अब एक हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तला है। सारी दवाई करके हार गया, कोई नफा ही नहीं होता। मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूं, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए। लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूं? जाओ, उसका खुदा हाफिज है। नहीं नहीं नहीं, या अल्लाह, मेरी जान के सदके मेरे नसीर का बाल बेका ना हो। मैं कैसी संग दिल हूं, प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक ना गई। मैंने माँ का बदला नसीर से लिया, या खुदा मेरा गुनाह बख्श दे। कुली, कुली,
अरे ओ कुली, ओ कुली बेटा, आके मेरा मेरा असबाब गाड़ी से उतार दे। अरे लाइए, अभी उठा देते हैं। अब मुझे हजवज को नहीं जाना। हाँ बेटा, जल्दी कर, कोई यक्का हो तो ठीक कर लीजिए। अम्मा, हमारा रोज का ही काम है ये तो। अरे बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। उसका जी चाहता था कि घोड़े के पर लग जाते। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका। खुदा करे सब खैर वाफियत हो। ओ मेरे अल्लाह। शाकरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शाकरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए ताक रही थी। अब्बासी ने शाकरा से कुछ नहीं पूछा, नसीर को उसकी गोद से ले लिया और उसके मुंह की तरफ चश्मे पूर्णम से देखकर कहा, बेटा नसीर, आंखें खोलो बेटा। नसीर ने आंखें खोली, एक लम्हे तक दाया को खामोश देखता रहा। तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया हो। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था, नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मार कर भगा दें? नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, अन्ना रोएगी। क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबे शरीफ ना जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा? साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें उससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है। हज अकबर, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की ये उर्दू कहानी। कलाकार परवेज गौहर, शमाइला और पूर्वी, ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल तथा निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।